माय चैनल दैट्स कालागल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए Amazon की सबसे सस्ती डेली वेयर कुर्तीज लेके आई हूं। मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि जो भी पीसेस मेरे पास हैं उनमें से आपको एक दो अपने लिए पसंद जरूर आ जाएंगे। और अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये भी उन्हीं में से एक है। 250 या 300 रुपए की आई गेस मैंने एक कुर्ती Amazon से परचेस की थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ये जो प्रिंट है ना, ये बहुत ही प्यारा है। बट एनीवे, इस कुर्ती के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे पीस, जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, Amazon से मैंने परचेस किए थे। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इंडिविजुअल लिंक थोड़ी थोड़ी हिंट के साथ, जैसे कि पर्पल कुर्ती, पिंक कुर्ती, येलो कुर्ती, इस टाइप से। और इसके साथ साथ मैं Amazon पे एक अपना स्टोर लिंक भी बना दूंगी, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्लिक में सारी सारी कुर्ती आप एक जगह पे देख पाएंगे, तो वहां से आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को परचेस करना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे पहले पीस से, जो कि है ये बहुत ही बड़ी प्रिंट वाली, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है। सभी कुर्तीज जो है वो 100% कॉटन मटेरियल में है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया डेली वेयर ये कुर्तीज हैं। तो डेली वेयर में मुझे पर्सनली या तो मॉडल फैब्रिक पहनना पसंद है या तो कॉटन। मॉडल फैब्रिक बहुत ही ज्यादा महंगा है। एक कुर्ती मैंने मॉडल फैब्रिक की भी इस कलेक्शन में इंक्लूड किया, अगर आपको पसंद आए तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी महंगी है। बट एनीवे, इस कुर्ती से स्टार्ट करना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये कुर्ती है। इसे आप जीन्स के साथ लेयर कर सकते हैं, इसे आप व्हाइट कलर के जो पजामा पैंट स्टाइल प्लाजो आ रहे हैं उनके साथ लेयर कर सकते हैं। बड़ी प्रिंट है और यहाँ पे आपको स्लीव्स पे डिजाइन मिलता है, बहुत ही प्यारी सी डिटेलिंग है, और गले पे भी इसमें बहुत प्यारी सी डिटेलिंग है। प्रिंटेड प्लेन कुर्ती है, कोई इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, लेकिन डेली वेयर के लिए बहुत ही एक अमेजिंग सा पीस है। इस ब्रांड की ऑलरेडी 2 से 3 कुर्ती मेरे पास है, जो मैं डेली वेयर में पहन रही हूँ, और धोने के बाद ये जो कपड़ा है ना, ये और भी ज्यादा मजबूत और सॉफ्ट होते जाता है, क्योंकि 100% कॉटन मटेरियल है। अगेन, ये जो दूसरी कुर्ती मेरे पास है, बहुत ही सॉफ्ट प्यारा सा कपड़ा है, बारीक बारीक इस पे प्रिंट आपको मिलता है। और ये कुर्ती जहां तक मुझे याद है, शायद मैंने ये 292 या फिर 249 में परचेस की थी Amazon पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का इसमें डिजाइन है। यहाँ पे जो आपको गला मिल रहा है, ये कॉलर वाला गला है, इसी वजह से मैंने इसे लिया भी था। यहाँ पे अब आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, नहीं तो आपको ट्राई ऑन में तो क्लियर हो ही गया होगा कि किस टाइप का गला इसमें आपको मिल रहा है। बहुत ही प्यारी सी डिटेलिंग इस पे आपको स्लीव्स में मिल रही है, यहाँ पे पाइपिंग वाला काम है। बहुत ही अच्छा मुझे ये पीस लगा और बहुत ही ज्यादा सस्ता भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल लेंथ आपको कुर्ता मिल रहा है, इसे भी आप चाहे तो अपनी ब्लू जीन्स के साथ लेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ लेयर कर सकते हैं। मतलब नीचे आप जो चाहें उसके साथ इस कुर्ती को पहन के अपना लुक तैयार कर सकते हैं। डेली वेयर के लिए कपड़ा बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ पहनने के बाद भी ये बहुत ही एलिगेंट पीस लगता है। देख के कोई कहेगा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ 249 की कुर्ती है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला पीस है, जिसे मैं ऑलरेडी 3-4 महीने से पहन रही हूँ डेली बेसिस पे। ये 100% कॉटन मटेरियल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अभी ये धुल के आई है, तो थोड़ी सी इस पे क्रीज बनी हुई है। इसमें आपको जो स्लीव्स हैं वो छोटी स्लीव्स मिल रही हैं, ये 3/4 स्लीव वाला नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी आपको जो गला मिल रहा है वो कॉलर वाला है। फुल लेंथ कुर्ती है, और इस पे आपको वाइट कलर का प्रिंट मिल रहा था, और बीच में आपको इस टाइप के बटन वाला इसमें डिजाइन मिल रहा है। मैं पर्सनली इस कुर्ती को जीन्स के साथ लेयर करती हूँ, लॉन्ग कुर्ती है और फिटिंग वगैरह मुझे इसकी परफेक्ट आती है, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नीचे कट मिल रहा है, तो ट्राई ऑन में एनीवे आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो इस कुर्ती को मैं पिछले 3-4 महीने से पहन रही हूँ, कपड़ा बहुत अच्छा इसका निकला। हाँ थोड़ा थोड़ा ये जो प्रिंट है ना, ये थोड़ा प्रिंट थोड़ा सा फेड होने लगा है, जितनी बार मैंने इसे धोया है धीरे धीरे ये जा रहा है, लेकिन प्लेन कुर्ती भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि फिटिंग इसकी परफेक्ट मुझे आती है। नेक्स्ट मेरे पास है ये बहुत ही प्यारी सी रंगीता की कुर्ती, इसे मैं पिछले 2 महीने से पहन रही हूँ। बहुत ही बारीक इसमें प्रिंट है, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छी है, 100% कॉटन मटेरियल है, और ये भी जस्ट अभी अभी धुल के आई है। धुलने वाले बैच में ये कुर्ती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसे मैं डेली में पहनती हूँ। आप देख सकते हैं ये है इसकी बैक साइड और ये है इसकी फ्रंट साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ना थोड़ा सा अगर डिटेलिंग गले पे मिले तो उस टाइप की कुर्ती अच्छी लगती है प्लेन से, तो इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग मिल रही है। इसमें बटन भी है, और सिर्फ इसमें
एक जो बटन है वो ओपनेबल है, बाकी सारे के सारे दिखावटी फैंसी बटन है। इसमें आपको 3/4 स्लीव्स मिल रही हैं और स्लीव्स पे इस पे कोई डिटेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये अच्छी लगती है पहन के। मैं इसे भी जनरली जीन्स के साथ पैर करना पसंद करती हूँ। बहुत ही प्यारा सा पीस है। इसका जो कपड़ा वगैरह है वो बहुत ही अच्छा होता गया, सॉफ्ट होते गया जैसे जैसे धुला। प्रिंट वगैरह इसका एकदम इंटैक्ट है, कोई इसके प्रिंट पे असर नहीं पड़ा है। यानी कि प्रिंट सिर्फ और सिर्फ मेरी इस वाली कुर्ती का हल्का सा फेड हुआ था, बाकी सारे की सारी जितनी भी अमेजोन की कुर्तीज हैं उनका प्रिंट जो है वो एज इट इज़ है। नेक्स्ट मेरे पास है ये कुर्ती सेट। ये थोड़ा सा महंगी वाली साइड में आता है। ये मुझे मिला था अमेजोन से आई गेस 949 रुपीज में। ये एक 2-पीस कुर्ती सेट है, लेकिन इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसका डिज़ाइन देखिए, एकदम यूनिक डिज़ाइन आपको इसमें मिलता है। ये नई ब्रांड मुझे अमेजोन पे दिखाई दी और इसकी मैंने कुर्ती परचेज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको गले पे डिज़ाइन मिल रहा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन इस पे किया गया है। 3/4 से थोड़ी सी ऊंची इसमें आपको स्लीव्स मिलती हैं। पीछे से ये जो कुर्ती है वो प्लेन है, लेकिन पूरी की पूरी कुर्ती पे अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से इस कुर्ती का की फिटिंग मुझे बहुत ही परफेक्ट आई। आप इसमें अपना 2 साइज ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो स्मॉल है वो, और ये जो कपड़ा है वो भी 100% कॉटन और खादी टाइप का कपड़ा है। और इसके साथ आपको नीचे ये पैंट मिलती है, दोनों साइड इसमें आपको इलास्टिक मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक साइड इसमें काफ़ी डीप आपको पॉकेट भी मिलती है। इतना ही नहीं, इस पैंट के नीचे पहुँचों पर आपको इस टाइप की डिटेलिंग मिलती है, कट वर्क काम किया गया है और उस पर भी एम्ब्रॉयडरी है। तो इस वजह से ये जो पीस है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा प्राइसी है, बट गाइस फिर भी 949 में आपको इतने अच्छे कपड़े वाला एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन मिल रहा है। और ये 2-पीस सेट है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। तो आप अगर इसके क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे चूज करने के लिए। और ये है मेरे आज के कलेक्शन की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कुर्ती। और ये जो मटेरियल है एक्चुअली ये मॉडल फैब्रिक है, ये कॉटन नहीं है। मॉडल फैब्रिक जो होता है, अगर आप पढ़ेंगे, मैंने भी थोड़ा अभी उसके बारे में स्टडी किया, ये ना कॉटन से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा लग्जरी वाला एक फैब्रिक है, इसीलिए इसके जो कुर्तीज वगैरह हैं वो थोड़ी सी महंगी आती हैं। पहनने में ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है और इसके साथ साथ ये कम सी थ्रू होता है एज कम्पेयर टू योर कॉटन। तो यहाँ पे आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, पूरा का पूरा निडल वर्क है, ये मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बहुत ही कलरफुल सी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है। और यहाँ पे आप कपड़े में डिटेलिंग देख पा रहे होंगे, ये जो कपड़ा है ये प्लेन वाइट कुर्ता नहीं है, इसमें आपको थ्रेड वाला काम मिल रहा है। तो एक तो इसमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, और नीचे की साइड इसके पल्लू पे भी आपको बहुत ही हैवी वर्क मिल रहा है। मैंने इस कुर्ती को एक्चुअली अमेजोन की ग्रेट फ्रीडम सेल के टाइम पे परचेज किया था, और उस टाइम मुझे ये कुर्ती 1600 की मिल गई थी। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो अभी जब नेक्स्ट अमेजोन पे ग्रेट फेस्टिवल इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी उस टाइम पे आप इसे ज़रूर से पिक करके देखिए। एक बार ट्राई करके देखना, अच्छी लगे तो रख सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो ओबियसली आप रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी अमेजोन की बहुत अमेजिंग है। और पीछे भी आपको इस टाइप से बहुत हल्का सा डिज़ाइन मिल रहा है, बहुत ही एलिगेंट पीस है, बहुत मुझे अच्छा लगा ये पीस पहनने के बाद। ये थोड़ी सी महंगी है, बट गाइस फैब्रिक और काम के अकॉर्डिंग वर्थ द मनी है। और नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला पीस जो मैंने अभी पहन रखा है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पीस है और ये सबसे सस्ता भी है। ट्राय ऑन में आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरा का पूरा लुक कैसा है, पूरा का पूरा प्रिंटेड है और यहाँ पे आपको गोटा पत्ती का काम मिल रहा है, बहुत ही हल्की सी डिटेलिंग है, हल्की सी डिटेलिंग इसकी उसी टाइप की यहाँ पे स्लीव्स पे भी है। मुझे ये डेली वेयर में बहुत अच्छी लगी, कॉटन मटेरियल है, पहनने के बाद भी जच रहा है, कोई कहेगा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का पीस है। और जैसे जैसे ये धुलते हैं ना, ये जो ब्रांड है, जैसे जैसे आप इसके कपड़े धोते हैं तो इसका मटेरियल जो है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और गफ होते जाता है, तो और भी उसमें रौनक बढ़ती जाती है। और प्रिंट वगैरह की गारंटी तो मैं आपकी ले ही रही हूँ कि बहुत ही अच्छी ब्रांड है, प्रिंट इसका एकदम इंटैक्ट रहता है। तो गाइज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरा जो आज छोटा सा कलेक्शन है कुर्तीज़ का, उसमें से आपको अपने लिए एक कुर्ती तो जरूर पसंद आई होगी, जरूर से एक बार ट्राई करें। So yeah, that's all for today's video. See you. Bye-bye.